वेलकम बैक टू माय चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। तो अभी सीबीएफसी का एक रिपोर्ट आया और जो कि प्रसून जो कि मेंबर है सीबीएफसी के, एंड उन्होंने ये कहा है कि सीबीएफसी जो कि सेंट्रल बोर्ड है मूवी की, जो जिसके अंदर पठान के कुछ सीन्स को लेकर पूरे की पूरे एग्जामिन हो रहे हैं वो लोग, मतलब एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे सीन्स वगैरह सब कुछ वो देख चुके हैं। एंड देखने के बाद दे आर लाइक कि कुछ सीन्स को रिमूव करने के लिए बोला है, एंड स्टिल हम लोगों को ये अपडेट नहीं है कि कौन से सीन्स को रिमूव करने के लिए बोले, कौन से मतलब सीक्वेंसेस को रिमूव करने के लिए बोले, बट कुछ सीन्स है जो कि उस फिल्म का पार्ट्स है जिसको रिमूव करने, ऐसा मेंबर ऑफ सीबीएफसी कह रहा है। ऐसा अभी तक कुछ भी फाइनलाइज अपडेट हुआ नहीं है मेकर्स की तरफ से, लेकिन सीन यही चल रहा है कि सीबीएफसी ने मतलब फिल्म को एनालाइज करने के बाद, फिल्म को एग्जामिन करने के बाद वो उसके सारे सीन्स को, मतलब कुछ सीन्स ऐसे जो कि अनवांटेड सीन्स लगे उनको, जिनको निकालने के लिए मजबूर मतलब बोला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सीन निकालो या सीन काटो या कुछ भी करो, ये तो 2014 के बाद वाली इंडिया है, तो कुछ भी हो रही है यहाँ पे। तो मतलब लोग तो बेवकूफ़ी है, पढ़े लिखे लोग तो बेवकूफ़ बनते जा रहे। ऐसा होएगा कि पढ़े लिखे लोग अलग अलग रहना चालू कर देंगे, ये लोग अलग रहना चालू कर देंगे, तो गोबर गोबर गैस वाले लोग। तो सीन अभी यही चल रहा है कि भाई कितने भी सीन्स निकालो, कितने भी मतलब सीन्स को कट करके बाहर निकालो। एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि फिल्म के अंदर ना भाई कंटेंट स्टोरी कहानी, कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट फैक्टर अगर हुई ना, भुंड फाड़ देगी ये फिल्म। वर्ड्स आ नहीं रहे थे मेरे को, भुंड फाड़ देगी, सील देगी ये फिल्म। क्योंकि ओपनिंग फैक्टर जो डिपेंड करता है वो आधा शाहरुख खान के स्टारडम से, एंड बाकी जो ओपनिंग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो प्रमोशन से। प्रमोशंस तो इतने ज़्यादा हुए इस फिल्म के, इतने ज़्यादा हुए कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 3 ऑल टाइम बज वाली फिल्म के अंदर तो रिकॉर्ड लिस्टेड में नाम लाई छपाई दिया है इस फिल्म ने। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सीन्स काटो, अच्छी बात है कि अगर कुछ ऐसा बाहर निकल गया वो, लेकिन वो सीन्स काटने के बाद भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सीन्स से इनको लेना देना नहीं है। इनका प्रॉब्लम वो सीन नहीं है, इनका प्रॉब्लम वो बंदा है। और क्या है इनका प्रॉब्लम, सबको पता है, सब कोई बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं सब, कोई इनका प्रॉब्लम क्या चीज़ से, इनका प्रॉब्लम ना वो रंग से ना वो सॉन्ग से कुछ नहीं, इनका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ से है। अब उसको तुम लोग बाहर निकाल दो तो वो लोग मूवी देखने जाएंगे, उनका प्रॉब्लम सिर्फ वही है, शाहरुख खान SRK, यही प्रॉब्लम है उनका बस। उनका कोई सीन वीन, उनको कोई सेंटीमेंट्स, इनका सेंटीमेंट्स दो दो मिनट में हट हो जाता है। इनका छोड़ो, इनका सेंटीमेंट्स नहीं है, इनका पूरा प्राइम फोकस किसी और चीज़ में होता है। वो चीज़ अगर इनके अगेंस्ट जाती है, वो प्राइम फोकस अगर इनका हट जाता है तो ये लोग मतलब सेंटीमेंट्स के कंधे में रख के बंदूक चलाते हैं। सेंटीमेंट्स 2014 से पहले हर्ट नहीं होते थे, इतने छोटी छोटी चीज़ पे हर्ट नहीं होते, अभी 2014 के बाद सेंटीमेंट्स बहुत स्पीड से हर्ट हो रहे हैं। तो ये सब सेंटीमेंट्स हर्ट का सीन नहीं है। अगर वो वाइस वर्सा कलर भी हो जाता ना तो भी वो कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो है एक फैक्टर, एक टीम है, ये टीम करवा रही है ये सब कुछ, सेंटीमेंट्स नहीं है ये सब सिर्फ और सिर्फ वो एक प्राइम फोकस है, वो प्राइम फोकस को हटाना है। और क्योंकि इसके बाद कितने भी सीन्स निकाल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती, एक इनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी बॉयकॉट करेंगे, और दूसरी चीज़ फिल्म को भी फ़र्क, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगी अगर फिल्म के अंदर कंटेंट है तो। घंटा फिल्म को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिल्म रिकॉर्ड्स बनाएगी, साइन सील एंड डन श्योर शॉट, रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, भुंड फाड़ देगी, मैंने बोला ना भुंड फाड़ देगी। अगर कंटेंट हुई तो स्टोरी होनी चाहिए, अगर स्टोरी नहीं हुई तो यही लाल सिंह चड्ढा वाला हालत हो जाएगा। फिल्म बकवास थी इसलिए फ्लॉप हुई, लेकिन क्रेडिट ये गोबर गैस वाले लोग उठा लिए। जिनके घर में गैस सिलेंडर बेंच हो, गैस सिलेंडर नहीं है जल खाना बनाने के लिए, घर में माँ बाप परेशान है, जाके घर में बाहर में जाके काम उम करो बोलते, ये लोग काम नहीं करते। 50 MB का ज़्यादा रेट नहीं होता, जियो का 50 रुपये का डेटा डाल दो, महीने भर चला लो, ट्वीट और व्हाट्सएप ही करते ये लोग। व्हाट्सएप में 50-60 ग्रुप हो जाता है, शाहरुख खान को जलाओ, इसको जलाओ, उसको जलाओ, नाम का कोई 3-4 ग्रुप होता है, उन ग्रुप में ऐड होते हैं ये लोग,
बस यही चलता है। तो इनके इनके बॉयकॉट से घर का गैस सिलेंडर नहीं हिलता, गैस सिलेंडर वही गाड़ी में पड़ा होता है, घर तक नहीं पहुंचता। ये क्या किस फिल्म को बॉयकॉट करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? फिल्म में कंटेंट होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्रेडिट ये लोग ले जाएंगे। याद रखना, लाल सिंह चड्ढा का क्रेडिट ले गए ये लोग। फिल्म बकवास थी। जबकि वीडियो को, ये वाला वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ज़रूर शेयर करो, सारे ट्विटर हैंडल में ज़रूर शेयर करो। बनाता हूँ तो शेयर करो ताकि लोग देखें और समझें। शेयर करो।